कि आप स्टीफन बर्नर्डी से बात कर लीजिए और नलियन सरे से भी बात कर लीजिए। मैंने उन लोगों से भी बात किया, उन लोगों ने कहा ये तो पार्टी तय करेगा। और हम क्षेत्र भ्रमण करते रहे इधर चारों तरफ, बोरिया विधानसभा क्षेत्र करके लिट्टीपाड़ा विधानसभा, महेशपुर विधानसभा और पाकुड़ तरफ भी हम गए। चारों तरफ से यही मिला कि ये नहीं जीतेगा। कांग्रेस के लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया, जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया और एक स्वर से लोगों ने कहा कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट यहां गठबंधन में अगर विजय हंसदा को टिकट दिया जाएगा हम लोग उसको वोट देने नहीं जाएंगे। कल्पना सोरेन गई थी उधवा, वहां भी लिखित लोगों ने आवेदन दिया और लिखित देने के बाद लोग सोचे कि चेहरा बदलेगा। मेरा नाम उन लोग नहीं लिया था और बहुत लोग आए थे पार्टी ऑफिस में भी लिखित दिए, मैंने उन लोगों को पढ़ा के नहीं भेजा। आज चारों तरफ जब हम जाते हैं लोगों का कहा है, लोगों का कहना था कि आप विकल्प के तौर पर आए हैं, आपको हम लोग समर्थन देंगे। और भी अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बचाने के लिए पूरे झारखंड में एक माननीय सांसद विजय हंसदा है, राज्यभर लोकसभा सीट कैसे बचेगा, वहां हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे मान सम्मान बचेगा, वहां का झंडा कैसे बुलंद लहराएगा, मैं इसकी चिंता करता था। और मैं कल चला घर से कि जाकर के हम आज के दिन में हम जाकर के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। ट्रेन में ही हमको पता चला, किसी मीडिया वाले ने कहा कि विज्ञप्ति जारी हो गया, देखे हम। तो हम चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बचा हुआ रहे। तो भाई जब हम चाह रहे हैं तो फिर हमारी बात को क्यों अनसुनी किया जा रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि आप एक कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले, मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है, भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी और भी मिलना होता था मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन को। अब मैं पहले भी बोला था अगर आज बसंत सोरेन हो कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है, एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको लोग बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो, मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया एजेंट हुआ है कि हम हैं। विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमटी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चा है वहां तो हम तो बोलते ही और बोलेंगे। तो आज जब सूची निकल गया और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही बचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जितने लोग हैं जिसके लिए यह राज्य अलग हुआ है वो बेचारे कहां जाएंगे। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजमहल लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हंसदा पर से आक्रोशित हैं, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था बट अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया, आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से
जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और ज्यादा नहीं लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए आप लोग भी कि हमारे पास क्या है नहीं है आप सारे लोग जानते हैं कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते जो डिग्री हासिल करके दर दर ठोकरे खा रहे हैं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके उसके गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह तबाह, नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के, इनको मैं नहीं छोड़ सकता। और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता जिसके लिए राज्य अलग हुआ है। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी चाहे जो भी हो, लेकिन हमको पूरा भरोसा है राजमा लोकसभा सीट से हमको लोग चाह रहे हैं और उसी के कहने के मुताबिक मैंने कमर कस लिया है और मैं चुनाव में निर्दलीय उतर जाऊंगा। धन्यवाद। दादा इस्तीफा देंगे या पार्टी से? क्यों मैं इस्तीफा दूं? पार्टी के खिलाफ आप जाके क्या पार्टी के खिलाफ? पार्टी का खिलाफ? अरे ये हम क्या बोल रहे हो, कभी पार्टी के खिलाफ बोल देते हैं कोई लोग, कोई बागी बोल देते हैं, इसलिए तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। जो आदमी पार्टी का सिद्धांत को से बगावती किया है आज वो है बागी, लोबिन है बरम बागी नहीं। अच्छा दादा आप जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें तीन चार पॉइंट बहुत से फोकस किए का स्थानीय नीति जी, जेएमएम के नेता ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो है 1932 आधारित जो हथियार है उसका जो है हम विधेयक जो है ऑलरेडी हाउस से पास करा के गवर्नर के पास भेजेगा। अरे आप तो 9 शेड्यूल में भेज दिया गवर्नर के थ्रू, ऐसा पहले हो चुका है ना देश के। क्या हुआ है कि वो धरातल पर नहीं उतरा? और आपने अर्जुन मुंडा की सरकार को यही स्थानीय नीति के चलते नहीं होने के चलते आपने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था। उस समय आपको 14 महीने का काम करने का वक्त मिला माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्यों नहीं लागू किए? और अभी 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आपने उसको कुछ नहीं किया। सोरेन अगर आपको बुला के समझाएंगे तो आप समझेंगे? आप समझने वाले नहीं है, आप सूची निकल गया। क्यों फायदा? हम अपने जीतने के लिए लड़ाई लड़े ना, तो पार्टी हारेगी ना। अरे ऐसा थोड़े होता है, जीत के पार्टी में हम तो पार्टी में है ही। दादा एक सवाल है जी, बोलिए। एक एक करके एक एक करके एक सवाल है जी। गांडे से कल्पना जी चुनाव लड़ रही हैं, क्या भविष्य देखते हैं कल्पना जी का आप? देखिए हम तो इसके पार्टी में वही वही हैं। अरे भैया आप यही ना मुश्किल, आप तो जो सारा बात बोल ही दिए और क्या बोल रहा है आप? बोलिए ना अपने मुश्किल। कल्पना का नेतृत्व आपको मंजूर है? क्यों मिलेंगे भाई? दुर्गा सोरेन के निधन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ये जेल जाने के बाद विरासत बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? और आज हेमंत सोरेन गद्दी में रहने के बाद क्या सीता सोरेन को गद्दी में नहीं बैठा सकते थे? क्यों नहीं हुआ? क्यों बड़ी बहू घर से निकल गई? कौन संभालेगा, कौन समझाएगा उनको? घर के लोग कहाँ हैं? समर्थन तो हमने किया है, हमने सशर्त किया है, इसी जगह हम मीडिया में बोले थे ये भी नहीं करेगा ये भी जाएगा। विधायक जी झारखंड पार्टी करना है, आप खड़े होंगे तो वो समर्थन करने को तैयार है, क्या उनसे भी बात करेंगे? कौन झारखंड पार्टी? मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ। झारखंड पार्टी हमको समर्थन करे मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं लोबिंदा 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 एक सवाल है जी, गांडे से आप कल्पना चोरन के विरुद्ध प्रचार करेंगे चुनावी प्रचार उनके खिलाफ जाके वहाँ? देखिए पहले तो हम अपना देखेंगे ना। नहीं आप जैसा पहले तो हम अपना देखेंगे, आज गांडे विधानसभा के लोग इसको। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।